सामने दिख रही है पहाड़ियाँ। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज है ईद का दिन, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज बहुत स्पेशल दिन है, आज बहुत ही स्पेशल डे है। आप लोगों को पता है रमजान फारिग हो चुके हैं, आज अनएक्सपेक्टेड व्लॉग बनाने जा रहे हैं हम लोग। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आई होप आपको अच्छा लगे। यहीं से शुरू करते हैं इस वीडियो को। 11 बज गए हैं, रेडी होने का टाइम हो गया, रेडी होएंगे। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर का माहौल, बाहर का माहौल कैसा हो रहा है। शिकायती अच्छी चहल पहल। वक्त है आपको एक चीज दिखाने का, मैं वो आप चीज को दिखा देता हूँ। टडा, हमारी रॉयल एनफील्ड इज बैक। हमारी बाइक बिल्कुल रेडी है, अब हर तरीके से बाइक रेडी है, तैयार है। अरे कहना क्या चाहते हो? बिल्कुल ओके है। और अब हम आगे जो भी व्लॉग बनाएंगे हम इसी पर ही बनाएंगे। वो गिर गया, मम्मी मारेगी। इससे पहले उठा के रख दो। जितने भी लड़के लोग हैं सबकी फीलिंग, अगर उनके पास उनका सपना होता है बाइक खरीदना, जिनके पास होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उनकी जान उसमें अटकी हुई होती है, उनकी गाड़ियों के अंदर। ये बात तो आप सभी लोगों को पता है, मेरी भी जान इसमें अटकी हुई थी। ये काफ़ी टाइम से खड़ी हुई थी, हम इसे नहीं चला पाए थे। सो फाइनली अब हमारी गाड़ी है रेडी, हमारी रॉयल इनफील्ड तैयार है बिल्कुल। और हम अब इस गाड़ी को चलाएंगे, घूमेंगे। ईद का दिन होगा, ईद का माहौल होगा, तो हमें भी अच्छा लगेगा। हम इसको चलाएंगे, घूमेंगे। अब सब ब्लॉग, सब वीडियोस हम इसके इस पर भी बनाएंगे। अब तक तो हमने जैसे तैसे करके पापा की गाड़ी चलाई है, उस पर भी मोटो व्लॉग किया है, लेकिन अब इस पर भी मोटो व्लॉग करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक बात तो है गाइस, इसको चलाने का मजा ही कुछ और है। मैं जब भी इसको निकालता हूँ मुझे एक एक्साइटमेंट लेती है बहुत बढ़िया। इसको बाहर निकालते हैं। रेडी होने से पहले मिलवा देता हूँ आपको अपनी मम्मी से। अम्मी तुम तैयार नहीं हो अब तक? रात दिन काम करते करते हालत ही खराब हो गई। तो तैयार तो हो जाओ, आज ईद का दिन है, इतना बड़ा दिन है। हम तो मनाएंगे, हम तो जा रहे थे यार। मजा नहीं आ रहा है। मैं हो चुका हूँ रेडी, और अब बारी है शूज की, क्योंकि शूज से ही इंसान की पर्सनालिटी का पता लगता है। तो शूज सेलेक्ट करते हैं हम, कौन मैं लूंगा इनमें से। दिस वन डन। मैंने बताया आज की राइड होने वाली है अनएक्सपेक्टेड, तो चलते हैं अपनी इस पर। थोड़ा सा हमारे साथ हो गया है पोपट, हमारे साथ जो लोग आए हुए थे कुछ लोग, वो कुछ लोग चले गए आगे, कुछ लोग चले गए दूसरे रास्ते पर। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। क्या रहा सब आ रहे? हेलो हेलो अकाउंटेंट साहब, वो
ये हमारे अकाउंटेंट साहब हैं बिलाल भाई, ये बात कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं जो लोग गए हैं वो किधर गए हैं, उनको लेकर लेना है। उससे थोड़ा सा आगे हम खड़े थे, थोड़ा सा और आगे आ जाओ, 5 मिनट का रास्ता हो, आ जाओ। सामने दिख रही है पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ। गाइस गाड़ी में हो गई है बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और गाड़ी भी है हमारे साथ आए हुए एक लड़के की, उसमें बहुत तगड़ी प्रॉब्लम आ गई है। फिलहाल हमने दिखाया है एजेंसी में, हीरो की बाइक है, अब देखते हैं पता नहीं कितना टाइम लगा, कितना टाइम, 1 घंटा तो लगभग ऑलरेडी हो चुका है, बाकी देखते हैं और कितना टाइम लगेगा, देन उसके बाद डिसाइड करेंगे। अगर शाम हो गई तो हम नहीं जा पाने, अगर शाम ना हुई तो आपको ज़रूर लेकर जाऊंगा, आपको होप सो जल्दी हो जाए ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है हमें। And a half hours later. Finally, हम पहुंच गए हीरो की एजेंसी में, हमने यहाँ पर बाइक दे दी है और अब इसके बाद हम चलते हैं घर। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं। कहाँ गए थे भाई, कहाँ गए थे आप, हथनीकुंड गए थे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। फाइनली घर पहुंच चुके हैं, मैंने ऐसी अनएक्सपेक्टेड राइड कभी नहीं देखी। चल झूठा, हम इतने दूर पहुंच गए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के बाद भी हमें वापसी आना पड़ गया। अच्छा, हम ऐसी रोस्ट राइड थी, आपको क्या बताऊं, सब स्पॉइल्ड, सब बेकार हो गया, बिल्कुल बेकार हो गया सब। लेकिन 3 घंटे बाद हम फाइनली आ चुके हैं घर, और बहुत टायर्ड फीलिंग है। देखते हैं अब अगली वीडियो कैसी होती है। ऐसी अनएक्सपेक्टेड वीडियो के लिए वैसे उम्मीद तो नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन फिर भी होप सो, अब नहीं तो कभी। तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।